हेलो गाइस, वेलकम टू हजारीबाग ब्लॉग। तो हम लोग आज का ट्रिप स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए लेकर के चलते हैं आपको। देखिए, हजारीबाग के लोगों को बहुत कम पता है कि कहाँ पर गलवान वैली है, तो अमृत नगर में हम लोग लेकर के चलेंगे आपको। ऐसे कैसे जाना है वो भी हमें बताऊंगा। तो ये सब अजीत कुमार से मिलिए, ये लद्दाख के ट्रिप में शामिल थे ये। उसके बाद ये नीतीश कुमार है जो कि लद्दाख के ट्रिप में भी शामिल थे। तो चलिए बस स्टैंड पहुंचने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे देवी मंदिर है, उसके बाद बस स्टैंड हम लोग पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, गलवान वैली जो आज हम लोग जा रहे हैं अमृत नगर में, वो बस स्टैंड से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलिए कैसे जाना है वो लेकर के चलते हैं आप लोगों को, क्योंकि हजारीबाग के लोगों को भी पता नहीं है कहाँ पर गलवान वैली है। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग कोलंबस कॉलेज पहुंचने वाले हैं। सुंदर दृश्य है दोस्तों यहाँ का। मेरा भी ये कॉलेज रहा है, सत कोलंबस कॉलेज। ये देखिए दोस्तों, हम लोग नीलांबर पीताम्बर चौक भी पहुँच चुके हैं। नीलांबर पीताम्बर चौक से राइट लेकर के हम लोग को जाना है अमृत नगर सिंहवार। चौक पहुंचने वाले हैं, हजारीबाग कोरा चौक हम लोग पहुंच चुके हैं। राइट में हम लोग अमृत नगर जाएंगे, लेफ्ट में देखिए इंटरनेशनल कॉलेज चला जाता है। देखिए दोस्तों, ये हजारीबाग रांची रोड है जो इधर चल जाता है हमारा सिंदूर की तरफ, जो बढ़े जाता है और जो इधर जो है वो रांची लेकर के जाती है ये रास्ता। और अभी हम लोग यहाँ मेन चौक में 4 लाइन क्रॉस कर रहे हैं जो कि अमृत नगर की तरफ जाएंगे अभी। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, इधर से लेफ्ट लेना है मुझे, करके हम लोग चलेंगे गलवान वैली की तरफ। यहीं से दिखा रहा है लेफ्ट में 800 मीटर अंदर की ओर जाना है, उसके बाद गलवान वैली हम लोग पहुंच जाएंगे। गलवान वैली पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ का नज़ारा कैसा है। कुछ कुछ भाई लोग यहाँ पे पूरा स्नान कर रहा है। देखिए दोस्तों, यही है गलवान वैली जो कि अमृत नगर में है, हजारीबाग से 8 किलोमीटर की दूरी पे। पहाड़ दिख रहा है पत्थर, वहाँ से नीचे जंप करते हैं पानी में।
हजारीबाग बस स्टैंड से अमृत नगर का जो कि 8 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग आए थे यहाँ का नज़ारा देखने के लिए। आप भी ज़रूर यहाँ पे आएँ। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलते हैं।